अमेरिकन प्रेसिडेंट की मरने की तारीख और महीना एक ही था, पर सवाल ये कि आखिर ऐसा कैसे। अमेरिका के तीन प्रेसिडेंट जॉन एडम्स, थॉमस जेफरसन और जेम्स मोनरो, ये अलग अलग समय पे पैदा हुए और बड़े होकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। पर जब इनकी मौत हुई तो उन तीनों की मौत 4 जुलाई ही थी। अब या तो हो सकता है ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और, ये आप डिसाइड करें। अच्छा एक बात बताओ, किसी का दादा 1790 में पैदा हुआ हो और उसका पोता वर्तमान में अभी तक जिंदा हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन टाइलर यानी दादाजी का जन्म 1790 में हुआ था, लेकिन उनका पोता हैरिसन टाइलर अभी भी जिंदा है, मगर कैसे। दादाजी की उम्र जब 63 साल की थी तो उनसे एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम था लियोन टाइलर। वो साल थी 1853। लियोन जब 75 साल के हुए तो उनका बेटा पैदा हुआ हैरिसन टाइलर, तो वो साल थी 1928। और अगर आप उनकी उम्र जोड़ोगे 1790 जमा 63 जमा 75 जमा 94 2022 बनेगा। प्रेसिडेंट जॉन टाइलर के पोते की उम्र अभी वर्तमान समय में 94 है, यानी कि अगर इनकी उम्र को आप एक साथ जोड़ेंगे तो बनेगा 1790 प्लस 63 प्लस 75 प्लस 94 और बनेगा 2022। मतलब कि अमेरिका के 10वें राष्ट्रपति जॉन टायर के पोते अभी भी जिंदा हैं। आपको लगता होगा सुल्तान कोसेन दुनिया के सबसे लंबे आदमी हैं जो अब तक इतिहास के रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के जायंट रॉबर्ट बॉडलो दुनिया के सबसे लंबे आदमी थे जो इतिहास में रिकॉर्ड किया गया। इनकी लंबाई 8 फीट 11 इंच थी और दोनों की प्रॉब्लम सेम थी, यानी कि एबनॉर्मल पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो बैकरप्ट कोई वर्ड होता है क्या, हिंदी में तो शायद इसका मतलब पीठ रगड़ना होगा, लेकिन क्या आपको पता है गूगल का नाम पहले बैकरप्ट था जिसका मतलब बैब्स बैक लिंक्स था। वैसे कमाल है ना, कोई और ही मस्त सा नाम रख लेते, इनको बैकरप्ट ही नाम मिला था। यार छोड़ो, आपका दिल धक धक करता है ना, कमाल की आवाज सुनाई देती है। हमारा तो एक ही दिल होता है, पर क्या आपको पता है ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं। अब ना जाने वो कैसे इन 3 दिलों को संभालते होंगे। आपने कई बार लोगों से ये सुना होगा कि एक गाय के 4 पेट होते हैं, पर क्या ये बात सही है। साइंस के एंगल से ये बात एक मिथ है। गाय के 4 पेट नहीं होते हैं, बल्कि उसके एक ही पेट होता है जिसके 4 कंपार्टमेंट्स होते हैं, ऐसा साइंस मानती है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द पहुंच सके।